किसी को पीडीएफ करना होता है तो वो इजराइल जाएगा या तो जर्मनी, ये पढ़ने के लिए देगा और 2.5 से 3 लाख रुपया महीना देता है। कहते भारत का विकास का नहीं हो रहा है। हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली पीडीएफ वाले लोग पढ़ाएंगे। और आज जर्मनी कितना डेवलप हो गया, समझ आ गया? दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई पीडीएफ करने जाता है तो वो इजराइल या जर्मनी जाता है पीडीएफ करने। अब समझिए ध्यान से इन लोग का दिमाग। एक बात बता बाबू, आपको अपनी किसी कंपनी या कर्मचारी के लिए नौकरी लेनी है तो आपको चाहिए एक ग्रेजुएशन का बंदा। आप अपने गांव के स्कूल से पढ़े ग्रेजुएट को रखिएगा या दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू के ग्रेजुएट को रखिएगा? काहे भैया, दोनों तो ग्रेजुएट है। अंतर मेंटेलिटी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो अच्छा काम करेगा, ऐसा नहीं कि ये वाला खराब करेगा, बट आपको बिलीव है। जर्मनी और पोलैंड ने क्या किया, कहा कि ये काम करते हैं कि मैट्रिक पढ़े वाले को तो कोई खास वैल्यू नहीं है, ट्वेल्थ वालों का भी कोई खास वैल्यू नहीं है, जो ग्रेजुएशन किए हैं इनका भी कोई खास वैल्यू नहीं है, जो पीजी किए हैं ये लोग मास्टर वास्टर बनते हैं, भारत में वैल्यू है पीएचडी का, भारत में वैल्यू है पीएचडी। इसने कहा कि जो 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 पीएचडी कर लिया है, जो जो पीएचडी कर लिया, सोचिए 3 साल किसी एक टॉपिक पे आप पढ़े होंगे तो जाके आपको थेसिस पास हुआ होगा और यूनिक हुआ होगा। ये नहीं कि आप चंद्रमा के बारे में पढ़ रहे हैं, जाके 3 साल में लिख दिए चंद्रमा का सेरोनोलॉजी का लाता ये है वो है, कहते कहते थोड़ा से पहले ही कुली बता के गया से निकल यहां से। आज आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये किसी ना किसी पीएचडी का थेसिस करके दिया होगा, उसी को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग दे देते हैं, समझा? तो दुनिया में जो लोग पीएचडी कर लेते हैं ना, केवल हम एक देश की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में। जर्मनी और इजराइल कहता है कि हमारे पास पीएचडी करने के बाद आइएगा, पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ना, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप पीडीएफ, और 2.5 से 3 लाख रुपया महीना देता है अपने जेब से उस पीएचडी वालों को, और कहता है कि आगे और रिसर्च कीजिए। जैसे भारत से 100 लोग अप्लाई किए हर सब्जेक्ट में, कोई फिजिक्स से किया, कोई केमिस्ट्री से किया, कोई कहीं से किया, तो उसमें से सेलेक्ट करेगा 10 गो के, सोचिए छाटा में से छाटा कै गो को, 10 ठो को। यहाँ किसी की 2 लाख 2.5 लाख सैलरी नहीं है और पढ़ने के लिए देगा हॉस्टल खाना पीना सब, 2.5 से 3 लाख रुपया महीना, लो पढ़ो रिसर्च करो। जब रिसर्च करेंगे तो उसी यूनिवर्सिटी की संपत्ति हो गई, जब आप रिसर्च करेंगे तो उसके अगल बगल की चीजें भी रिसर्च होने लगती हैं। जैसे आप खाना बनाइएगा तो उसके साथ साथ अगर कोई खाना बना रहा है ना, तो मतलब उसको प्याज छीलना भी आता है, मसालों के बारे में भी नॉलेज है, सब चीज नॉलेज है। तो जब कोई रिसर्च, सोचिए दुनिया में अगर किसी को पीडीएफ करना होता है तो वो इजराइल जाएगा या तो जर्मनी, ये 2 ठो सबसे फेमस है। और हम लोग कहते हैं भारत का विकास काहे नहीं हो रहा है, पढ़ो यहाँ पे, यहाँ दिमाग लगाएगा, IIT करेगा, एम्स करेगा, पीएचडी करेगा, चल जाएगा पीडीएफ करने वहां पे, तो सुनेंगे लोग उनका टेक्नोलॉजी अच्छा है, ये टेक्नोलॉजी अच्छा है। आज अगर बिहार को डेवलप करने के लिए अगर हम लोग बस इतना ठान ले कि पूरी भारत से अगर किसी को पीडीएफ करना है तो बिहार में आके करिए, 100 लोगों को ही पकड़ ले, 3 लाख रुपया दे दे, 2 लाख रुपया दे दे, तो भारत के जो टॉप पीएचडी वाले होंगे वो कहां आके करेंगे, बिहार में। और कहा जाएगा कि भैया आपका रूल है कि आपको बिहार के यूनिवर्सिटी में 2 घंटा लेक्चर लेना पड़ेगा। कितना घंटा? 2 घंटा। वो आदमी 2 घंटा लेक्चर ले लेगा कि नहीं? सोचिए कितना बेहतर यूनिवर्सिटीज की हो सकते हैं, समझ में? हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, हम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अभी रिसर्च कर जिस बात कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली पीडीएफ वाले लोग पढ़ाएंगे, ओनली एंड ओनली। जब प्रस्ताव लेके गए तो सोचा सब कर ऐसी आदमी को आगे मत आने देना, बहुत बहुत झमेला हो रहा है। हमने किसी को केवल पीएचडी या पीडीएफ आके करू, कितना बेहतर होगा यहाँ पे। सपोज कीजिए कितना फिजिक्स के बहुत होगा, पीडीएफ किया होगा, आके 2 घंटा लेक्चर ले लेंगे, क्या फर्स्ट क्लास लेक्चर लेके जाइए, उसके बाद उससे ज्यादा हमको पढ़वाना ही नहीं है, लेकिन 2 घंटा पढ़ाने के लिए 6 घंटा पढ़ के आइए। विद्यार्थी मेरा घर जाके नहीं पढ़ेगा, आप लोग इसको भी फील करते होंगे, आप क्लास में बैठे रहते होंगे लोग ना, घर जाके उतना नहीं पढ़ना पड़ता होगा, गधों कुछ तो पढ़ लिया करो। हाँ बोलता है।